देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। फारुखाबाद में बीजेपी से फारुखाबाद के सभी प्रत्याशी के समर्थन में आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सरकार की योजनाओं को बताने के साथ साथ विरोधियों पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि पिछली सपा और अन्य दलों की सरकारों में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। सभी की जिम्मेदारी है कि देश का माहौल खराब न हो। आपको मतदान से सरकार नहीं बनानी बल्कि प्रदेश की तकदीर लिखनी है। राजेपुर के एक कोल्ड में पहुंचे चुनाव प्रचार में जनसंपर्क के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह जिले में चौथी बार आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सरकार चलाई वे बेजोड़ है। चाहे किसी भी दल की सरकारें रही हों, सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भाजपा सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, काफी हद तक भ्रष्टाचार रोकने में सफलता मिली है। राजीव गांधी ने यह स्वीकार किया था कि 100 रुपए भेजे जाते हैं तो 16 पैसे लोगों तक ही पहुंचते हैं। मोदी योगी ने इसे समाप्त किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। आप सभी से अपील है कि भाजपा के घोषणा पत्र को देख ले, हमने सभी घोषणा पूरी की है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।